तो दोस्तों अब है त्योहारों का सीजन और त्योहारों के सीजन में अक्सर हम मिठाइयाँ खरीद कर लाते हैं जो कि दुकानों पे बहुत ही महंगे दामों पर मिलती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपनी स्नेह माँ के किचन में केवल दो चीजों से बनने वाली शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाई जो कि बहुत ही सस्ते में बहुत ही कम मेहनत में इसको हम बना के तैयार करेंगे। आप इसको व्रत में भी बना सकते हैं और बिना व्रत के भी बना सकते हैं और अभी तीज का त्योहार आ रहा है तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए करते आज की वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों 1.5 किलो दूध था मेरे पास जिसको मैंने नींबू का रस से इस तरीके से फाड़ लिया है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है दोस्तों। दूध को आपको हल्के से गुनगुना करना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। इतना गर्म होना चाहिए दूध कि आपकी उंगली उसमें आराम से चली जाए। तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा नींबू का रस डालते जाएंगे, इस तरीके से जो आपका दूध है वो फट जाएगा। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसको व्हाइट विनेगर से भी फाड़ सकते हैं और जब तक आप इसको चलाते रहिए जब तक कि आपका अच्छे से ये दूध ना फट जाए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दूध फट चुका है दोस्तों और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कितना बढ़िया से इसमें छेना भी बन चुका है। तो चलिए दोस्तों ले लेते एक बाउल और ले लेते एक स्ट्रेनर और यहाँ पे हमें इसको छान लेना है। और यहाँ पे मैंने एक बाउल भी ले लिया और यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेनर रख लिया है और यहाँ पे सारा जो इसका पानी होगा वो हम निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बढ़िया से सारा जो छेना हमने निकाल लिया और दोस्तों इसको हमें सेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हम पनीर सेट करते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ हमें नहीं करनी है, बस इसी तरीके से हमें इसको छन्नी में निकाल लेना है। और जो ये दोस्तों छेने का पानी निकला है इसको आप किसी भी सब्जी में या फिर आटा लगाने में या फिर किसी भी मिठाई में यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको बॉटल में फिल करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपको पनीर बनाना हो तो आप इस छेने के पानी से दूध को फाड़ सकते हैं। अब दोस्तों जो हमने छेना निकाला था उसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी जिससे कि इसमें थोड़ा सा नींबू वगैरह का खट्टापन होगा वो भी निकल जाएगा। और बस इसी तरीके से दोस्तों किसी बाउल पे हम रख के इस छन्नी को छोड़ देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब दोस्तों गैस पे रखेंगे कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच देसी घी। इसका दोस्तों हम यहाँ पे लेंगे केवल आधी ग्लास दूध, बहुत ज्यादा दूध का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और दूध में आने देते हैं दोस्तों अच्छे से उबाल, और जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगा उसके बाद जो हमने छेना निकाल के रखा है वो सारा छेना जो हम इस दूध में मिक्स कर देंगे। बस दोस्तों यहाँ पे हमें दूध का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे हम छेने का यूज़ कर रहे हैं और दूध के साथ अगर हम छेने को मिक्स करेंगे तो छेना बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा जिससे कि बहुत ही बढ़िया हमारी ये मिठाई बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे छेना डालने का दोस्तों अच्छे से इस तरीके से स्पैचुला से जो छेने को हम मिक्स कर देंगे और साथ में ही डाल देंगे हम शक्कर। तो यहाँ पे दोस्तों करीबन मैं 200 ग्राम के करीब शक्कर ले रही हूँ, मीठा अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब यहाँ पे दोस्तों हमने ले लिया मैशर, तो यहाँ पे मैशर से इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे जिससे कि जो छेने का जो इसमें जो दाना है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया एकदम दानेदार हमारी मिठाई बनके तैयार होगी एकदम हलवाई स्टाइल। वैसे दोस्तों ये प्रोसेस हम मिक्सी में भी कर सकते थे, हमने छेना निकाला तो उसका छेने को मिक्सी में चला सकते, लेकिन उससे दोस्तों जो छेना हमारा एकदम क्रीम बन जाता और उसमें बिल्कुल भी दाना नहीं रहता। अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स बताने वाली है दोस्तों जिससे कि आपकी एकदम स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाली दानेदार ये मिठाई बनके तैयार होगी। एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो गैस का फ्लेम है वो आपको मीडियम टू हाई रखना है, बिल्कुल लो पे नहीं रखना है। अगर आप लो पे इस मिठाई को बनाएंगे दोस्तों तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हमें एकदम व्हाइट ये मिठाई बना के तैयार करनी है। जिस तरीके से हमें हलवाइयों की दुकान पे एकदम कलाकंद व्हाइट मिलता है उसी तरीके से आज हम व्हाइट कलाकंद की मिठाई बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो इसका मॉइस्चर वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बस 2 से 3 मिनट ही और हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे जब तक कि ये अच्छे से कढ़ाई छोड़ने ना लग जाए। और आप देख सकते हैं दोस्तों जो मिठाई का कलर है वो भी एकदम व्हाइट है, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आप इसी जगह पे इसको लो या मीडियम पे के बीच में रखेंगे तो इसका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और बस दोस्तों इस मिठाई को हमें इतना ही पकाना है, अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो बिल्कुल भी ये मिठाई जूसी नहीं रहेगी, बहुत ही हार्ड हो जाएगी। बस इतना ही पकाएंगे और कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ। अब यहाँ पे मैंने मिठाई सेट करने वाली ट्रे ली है, आप चाहे तो कोई थाली भी ले सकते हैं। और यहाँ पे सारा मिक्सचर हम निकाल लेंगे इस ट्रे में और अच्छे से कर लेंगे सेट। और देखा दोस्तों केवल दो ही चीजें इस मिठाई में जरूरी है, दूध और चीनी। दूध से हमने पनीर यानी कि छेना बनाया और केवल चीनी, बाकी चीजें ऑप्शनल है दोस्तों। तो यहाँ पे सेट करने के बाद अच्छे से हम इसको
थोड़ा पिस्ते से या फिर जैसे भी आप चाहें अपने पसंद के अनुसार इसको गार्निश कर सकते हैं। और यहाँ पे करीबन एक घंटे के लिए दोस्तों इसको हम छोड़ देंगे और बहुत ही आराम से ये इस तरीके से सेट हो जाएगी। अगर आपको ज्यादा जल्दी है दोस्तों तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको मैंने बाहर ही छोड़ा था केवल एक घंटे के लिए और एक घंटे में ही दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमारी मिठाई सेट हो चुकी है। अब अपने अनुसार दोस्तों इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना स्मूथली हमारी मिठाई कट हो रही है। कोई भी नहीं कहने वाला दोस्तों कि इस मिठाई को इतने कम सामान में हमने घर पे बना के तैयार किया। और यहाँ पे आपको मैं पीसेस निकाल के दिखाती हूँ दोस्तों कितने परफेक्ट यहाँ पे इसके पीसेस निकले। और इस तरीके से दोस्तों छोटे छोटे ग्लासेस में या फिर छोटी छोटी कटोरियों में भी आप इस कलाकंद को सेट कर सकते हैं और ऊपर गार्निश कर सकते हैं ड्राई फ्रूट से। जब भी कोई गेस्ट आए तो इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना परफेक्ट हमारा एक कलाकंद का पीस निकल के आया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको नजदीक से भी दिखाती हूँ कितना दानेदार ये हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है एकदम हलवाई स्टाइल। कोई भी नहीं कहने वाला दोस्तों इतने कम मेहनत में और जबरदस्त जूसी मिठाई हमने बना के तैयार की। एकदम रसीली मुंह में घुल जाने वाला ये कलाकंद बन के इस तरीके से तैयार होता है दोस्तों। और इसी जगह पे दोस्तों अगर हम इसको ज्यादा पका देते तो इतना ये रसीला नहीं बनता। एकदम हलवाइयों वाला कलाकंद आज ये हमारा घर पे ही बन के तैयार हुआ है। वो छोटे छोटे टिप्स हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखने हैं, तो इसी तरीके से आपका भी ये परफेक्ट कलाकंद घर पे ही बन के तैयार हो जाएगा। और कलाकंद तो दोस्तों एक ऐसी मिठाई होती है जो एकदम शुद्ध होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जिसको हम कभी भी व्रत में भी बना सकते हैं, बिना व्रत के भी बना सकते हैं। और तो और दोस्तों आप इसको बना के महीने भर के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होती है। जब भी घर पे गेस्ट आ जाए या खुद का मीठा खाने का मन करे आप इस मिठाई को खा सकते हैं। और दोस्तों घर पे बनाई हुई मिठाई की तो बात ही अलग होती है, शुद्ध होती है। और दोस्तों अपने अनुसार मीठा हम इसमें कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की आपको ये कलाकंद मिठाई की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो नई रेसिपी के साथ। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ के साथ न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।